हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज जेड के जी काजिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड के जी व्लॉग। हेलो, आप लोगों को भी इंटरेस्ट है मेरे साथ चलने के लिए और आप लोगों को भी देखना है कि मेरे साथ क्या होता है, तो आप चल सकते हो, नहीं तो यहीं बैठे रहो। ये सुपर हाईवे है, अभी हम इंतजार में हैं कि ट्रैफिक जाए तो हम बाइक क्रॉस करें। सुमार भाई हमारे साथ हैं और बाइक राइड कर रहे हैं। उतर गया हूँ क्योंकि मुझे पैदल जाना है। ये यहाँ से रोड क्रॉस होगा। सक्सेसफुली रोड क्रॉस कर लिया है। ये सामने एक दरगाह है जो आपको नजर आ रही है मेरी अंगुली के इशारे पर। ठीक है, यहाँ मैं जाऊँ पर जा नहीं पाता, पर एक दिन जरूर इधर जाएंगे। आज मेरा मूड हो गया था यहाँ पे व्लॉग करने का। पूरा एक ब्रिज है और ये नीचे आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्लोर नहीं बना हुआ, ये लोहे की बिल्कुल सीट है, उस पे ये बनाया गया है। देख सकते हो आप लोग के मेरे पीछे हैदराबाद का स्टेशन है, पूरे ट्रैक पीछे में जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। बड़ी यार अच्छी याद है यहाँ से, क्योंकि ट्रेन के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है बचपन से। जिस चीज़ से मेरा लगाव है तो मैं भी चाहता हूँ कि वो चीज़ आप लोग देखो कि मेरा किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है। अभी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, अच्छी है या बुरी फैसला आप लोग खुद कर लेना, कि जब इस ब्रिज से कोई बड़ी व्हीकल जाती है तो ये पूरा ब्रिज वाइब्रेट करता है और हिलता है। बहुत पुराना पुल है पर इसका नाम अभी तक है नया पुल। मैं तो ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, पर मेरे साथ जो थे मेरे साथी सुमार भाई खड़े हुए, मंसूर भाई खड़े हुए, वो यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं नज़ारा। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये पूरे ट्रैक पीछे में बड़ी ठंडक का माहौल है। नीचे ये सारी ट्रेन के ट्रैक हैं और यहाँ से ट्रेन सारी आती हैं। यहाँ से स्टेशन मास्टर कवर करता है, पूरा सिस्टम देखता है और यहाँ से ट्रैक बदले जाते हैं। ऑफकोर्स ट्रेन लाइन के साथ जो घर बने होते हैं, आबादी बनी होती है, यहाँ आबादी बहुत होती है। समझ नहीं आता क्यों होती है, पर आबादी यहाँ पे बहुत होती है जहाँ पे ट्रेन लाइन बिछी भी हों। अंदाजा तो नहीं था पर चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच गए। ये ट्रेन का स्टेशन है पर ये स्टेशन के बाहर वाली जगह है। तो मंसूर भाई और सुमार भाई हम चलते गए आगे और यहाँ तक पहुँच गए। आप देख सकते हो ये माल गाड़ी ट्रेन है कि जिसमें सामान लोड किया जाता है, और उसके पीछे जो है वो है ऑयल, जिसमें डीजल ऑयल या जो भी किस्म का लिक्विड किस्म का सामान होता है उस ट्रेन में जाता है। कुमार भाई, मंसूर भाई और मैं जेड के जी हम खड़े हुए हैं बिल्कुल ट्रैक के बिल्कुल करीब, क्योंकि अच्छी वाइब्स आती है, कभी कभी देखना अच्छा लगता है। इतने बड़े टायर बने कि हम इसमें अच्छी तरह से आ सकते हैं, पूरा लोहा। और ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल कनेक्ट करती है कोच को आपस में। समझ नहीं आता कि ये पत्थर क्यों मौजूद होते हैं ट्रैक में। इसका आंसर तो ज़रूर मौजूद है पर हर किसी को नहीं पता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जो जो दिल में बात थी, देखना चाहता था, एक मूड हुआ मेरा कि मैं देखूँ, सर्च करूँ दोबारा जाके, बहुत टाइम हो गया था। तो जो जो चीज़ें दिमाग में थी सर्च करने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैंने कर ली हैं अभी तक। बहुत ही क्लासिकल बाइक है मंसूर भाई के पास, जो कि बहुत कम दिखाई देती है आजकल। क्लासिक बाइक है, माय फेवरेट बाइक। पाकिस्तान में ये सवारी नहीं मिलती, सिर्फ हैदराबाद में ये पाई जाती है। अगर पाकिस्तान की पब्लिक देख रही है तो उनको पता होना चाहिए, ना लाहौर, ना कराची, ना इस्लामाबाद, किसी शहर में ये सवारी नहीं मिलती, सिर्फ हैदराबाद में ही मिलती है। कि इस सवारी को क्या कहा जाता है, ये जो सवारी को लमलेटा कहा जाता है। अच्छा, ये जो गरीब आदमी होते हैं वो इसके अंदर बैठते हैं। पूरे पाकिस्तान में तो ये नहीं पाई जाती, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हैदराबाद वालों को तोहफा मिला हुआ है। हैदराबाद वालों को ये, और ये बहुत पुरानी है, मैंने सुना बहुत पुरानी है, 40-45 साल हो गए। अच्छा, दोबारा नाम बता दें। नाम लेटा। अच्छा, कमाल है। एक जो स्टीयरिंग पर होती है, एक बाइक, हाँ बाइक स्टीयरिंग जो होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।
अभी इसी वक्त मैं पहुंचा हूं घर। कम से कम बाइक चलाई आज मैंने, जी हाँ ये कम से कम बाइक चलाना थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ बने रहोगे। जब तक के लिए अपने भाई को दो इजाज़त। लिव योर लाइफ विथ योर ड्रीम। बूम। All about humanity.